अभी ऊपर आए नाभि चक्र में, नाभि के चारों तरफ में ये आपका इसको भवसागर मैं कहती हूँ, ये बना हुआ है पेट, धर्म पेट में होता है। माने आप इंसान हैं, ये आपका धर्म है, जानवर है उसके दुम होती है, इंसान है उसके कुछ गुण होते हैं, उसका सस्टेनेंस माने उसकी धारणा शक्ति इस पे धारित। आप मनुष्य हैं कि राक्षस हैं, कि मनुष्य के रूप में आप जानवर हैं कि भूत हैं आप, दिखने को तो मनुष्य ही दिखा दे रहे हैं लेकिन होंगे कि आप भूत ही हो। तो उसकी धारणा शक्ति होती है वो 10 होनी चाहिए। इसकी अगर 10 धारणा शक्ति नहीं होगी तो वो मनुष्य से च्युत हो जाता है। माने जैसे पागल खाने के लोग होते हैं भूत जैसे चलते हैं, दिखने को तो मनुष्य दिखते हैं पर आप गए तो आपकी खोपड़ी पकड़ लेंगे, आपके समझ में नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, हम आए और हमको पकड़ के हो गया। इससे शराबी आदमी भी अपने धर्म से च्युत होता है, कोई आदमी शराबी इधर से आए तो उधर से भागो, उससे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे। एक साहब मजाक बताते हैं, एक मिनिस्टर साहब के यहाँ कोई गए बेचारे देहाती लोग, तो देखा एक आदमी बहुत ही ज्यादा शान मार रहा है वहां पे, खूब सब पे रोब झाड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा साहब क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? कहले तुम जानते नहीं मैं पिए हूं। कहा नहीं पता था साहब, माफ करिए कल आइए हम लोग। उनको क्या पता कि पिए का मतलब क्या था, उन्होंने सोचा कि ये पिए हुए है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पिया हुआ आदमी का मतलब क्या होता है, धर्म से च्युत हो जाता है। जब पीता है तो उसकी चेतना कुछ ना कुछ तो खराब हो ही जाती। बोलते हैं कि क्या हर जाए एक पी लो। पहले लंदन में लोग एक ही पीते थे, आपको मालूम है हम लोग इंग्लिश लोगों को कहते थे कि इंग्लिश आदमी का क्या है कि इतना सा पीता है। अभी जाके वहां देखो बड़े बड़े रस्ते पे पड़े रहते हैं, वहां वो शुरुआत होती है एक से, फिर बच्चे 10 से करते हैं, फिर उनके बच्चे 100 में जाते हैं। तो जो चीज अपने को करने की नहीं, जिस गली में जाने का नहीं उसको क्यों करने की? तो धर्म से च्युत होने का मतलब यह होता है कि आपके अंदर जो मानव धर्म है, जो मानवता को आपके धारणा करता है सस्टेन करता है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा भारी धर्म है सर्वधर्म समानत्व, यह भी बड़ा भारी धर्म है। जैसे कोई बड़े फैनेटिक्स होते हैं उनकी नाभि पकड़ जाती, फैनेटिसिज्म जिसको बोलते हैं ना, जो हम हिंदू साहब एक हम आए हम मुसलमान, एक फलाने आए वो हम फलाने, गए आप काम से पेट का कैंसर होगा ऐसे लोग को, सच्ची बात बता दे बुरा नहीं मान। आप हिंदू कहां से हो गए? आप अगर वहां अफ्रीका में पैदा होते हैं तो आप भी वैसे घुमा करते जैसे वहां लोग घूमते हैं, और कहीं जंगलों में पैदा होते तो पेड़ पे रहते रहते, अभी इधर पैदा हुए हो तो बड़े हो गए हिंदू के। और हिंदू को तो पहली बात है सर्वधर्म समानत्व तो उनके जीवन में ही पहले आना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो कौन हो गए आप हिंदू और कौन हो गया मुसलमान? सबसे बड़े के फैनेटिक क्रिश्चियन लोग होते, बाप रे बाप, आश्चर्य होगा वो तो इधर से उधर टस से मत नहीं होंगे, और उनका नाभि चक्र बड़ा जोर का पकड़ता है। दूसरे होते हैं जैनी, वो भी बाबा नाभि चक्र बड़ा पकड़ते हैं। आपके कोई जैनी है तो बुरा नहीं मानना, बाकी दूसरों का दूसरा चक्र पकड़ता है पर नाभि चक्र जैनियों का बहुत पकड़ता है। ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, कांदा नहीं खाने का, फलाना नहीं करने का, ढिकाना नहीं करने का, रात दिन यही चिंता। दूसरे होते हैं जो बहुत खदाड़े होते हैं, खाते ही रहते हैं, पारसी लोग, पारसी लोग का जीवन सारा खाने में जाता है, बुरा नहीं माना, उनको ये सब चलता है। उनसे भी बड़के होते हैं तो जापानी लोग, वो हर तरह की चीज खाते, खाना कमती करो कहो तो फिर भूखे मरेंगे। कोई पारसी को मैंने बोली कि भाई खाना कम करो तो एकदम भूखे मरने लगे,
जैनी को मैं बोली कि इतना मत करो, ऐसा नहीं करो, तो उसने गैया का गोश्त खा, फलाने का गोश्त खा, सारे दुनिया का गोश्त खा ले। मैंने कहा बाबा ऐसा थोड़ी मैंने बोली थी, मतलब बीच में आओ, हर समय खाने की बात सोचना ही ठीक नहीं बात है। अभी क्या खाएंगे, सवेरे क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, ये हमारे कायस्थ लोग तो पक्के, हमारे श्रीवास्तव कायस्थ तो इतने खाने के होते हैं कि बस उनको खाना ही खाना, सुबह शाम तक उनकी औरत लोग इसी में लगे रहते, बड़े खदेड़ू लोग होते, बहुत मुश्किल काम है कायस्थ के घर में रहना, बहुत ही खाने का होता है, ये इसमें अच्छा उसमें ये क्यों है ना बात, औरत की जिंदगी इसी में चलती है, वो तो पारसी से भी बढ़ के होते हैं श्रीवास्तव लोग, तो खूब कम पीने होते। फिर हमारे महाराष्ट्र लोग जाना फर पाएंगे समसमी मार काय बेत आए, मुझे बेत फक्त खाने से दोस्त अंदर का, मतलब किसी ने कहा कि आज क्या इरादा है, तो मतलब ये नहीं और कोई इरादा, वो खाने का मतलब है, बेत और इरादा ये दोनों चीज एक ही है, अब उसका मतलब खाना। आप सोचिए क्यों बोलेगा आज का बेत है, तो वो बोलेंगे कि आज खाने को ये बना रहे हैं फलाना ढिकाना, फिर कंजूस आदमी मक्खी चूस डोंट आई खाली दाल, ये दोन पेरू आणायचे ना आठानी वाटून खायचे, नाभी चक्र धरणार कंजूस आदमी कंजूसड़ों का ये होता है कि जब कोई घर में आएगा तो छिपा के रख देंगे, कोई नहीं खाएगा। तो क्या होता है कि इसका बैलेंस भी आदमी के नेचर में आता है। आप देखिए कोई आदमी शराब पीता है तो वो जनरस होता है, ऐसा इसका बैलेंस थोड़ा थोड़ा आता है। जैसे कि कोई शराबी आदमी होएगा तो वो जरूर, कोई आदमी खदाड़ू होएगा खाने वाला तो चार आदमी को खिला के खाएगा, पर एक कंजूस का तो कोई इलाज ही नहीं है इसका इलाज बहुत मुश्किल है कंजूस का। कंजूस आदमी को बोलना भी मुश्किल कि तुम कंजूस हो, तो अपनी कंजूसी छोड़ो, वो छुटता भी नहीं, बोलने से भी नहीं छुटता है। उसके बोलते हैं ना मक्खी चूस होते करके, मतलब बहुत ही वो चीज होती है, फिर उनका पेट छूटने लगता आगे की तरफ में, कंजूसों का बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन मतलब ये क्या, आप नहीं कभी सोचते कि कंजूस है पना करने से कुंडलिनी नहीं जागृत होती, सोचो अगर आप कंजूस हैं तो कुंडलिनी नहीं जगने वाली, और इतना सर दर्द होता है मेरे को कंजूस लोगों से कि मेरे समझ में नहीं आता। कंजूसरी पना करना कोई जरूरत है ही नहीं इसकी, आप एक हाथ से दो दस हाथ से मिलेगा तुमको, दानी होना चाहिए आदमी को। जो आदमी खाता पीता रहता है कम से कम दानी होता है, पर जो खाता ही नहीं, घी की बोतल रख ली उसको सूंघता ही छह सिरे ऐसे भी होते हैं अपने देश में कंजूस लोग, वो क्या दूसरे को देगा, उसके घर में तो जी निकलता आदमी का, बाबा कब भागते इसके घर से, पानी पी लो तो इसको आफत आ जाएगी, एक ग्लास पानी देने को उसका जी खराब था, का हो आए ना सब। तो कंजूसड़े लोग उनको भी नहीं होता, उनको नहीं होता है, और ये चीज बड़ी सीरियस बीमारी है कंजूसपना। कंजूसपना एक बीमारी है, सिकनेस, जैसा ज्यादा खाना है वैसे कंजूसेपना, ये भी बड़ी भारी बीमारी है, जिसको बीमारी लग जाए उसे दूर भागो, नहीं तो आप जाओगे तो आपको भी बना देंगे। वो बड़े जोर से लगती है, किसी कंजूस के अगर घर में पैर पड़े तो सारा घर कंजूस हो जाएगा। हाँ हमने देखा ऐसे होते, अच्छे भले लोग खराब जाते हैं क्योंकि वो अपनी अक्कल बहुत लगाते हैं हर चीज में, बोलते ये इकोनॉमिक नहीं है, खत्म का बड़ा भारी इंग्लिश नाम दे दिया इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल नहीं है। दूसरा आदमी बोलते हैं भाई इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक बात है, ये बड़े भारी कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बोल रहे हैं, चलो भाई इसमें से दो रोटी बचा ही लो, खाना पीना आराम से आदमी को रहना चाहिए, पर अपने जब अपनी बात आई तो कम खाना चाहिए, दूसरे की बात आए तो खाओ। ऐसी तबीयत जिस आदमी की हो उसकी नाभि चक्र नहीं पकड़ सकती, जो आएगा ले बेटा खा, तू खा, तू खा, ये
तूने ये नहीं खाया वो खा। अन्नपूर्णा का ही स्थान होना चाहिए, जैसे लक्ष्मी जी का स्थान अपने यहां माना जाता है, जिसकी के हमारे नाभि में स्थापना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के बारे में उस दिन बताया था ना मैंने, यहाँ कोई लोग थे अभी, उसमें से कम लोग आए हैं, कि लक्ष्मी जी जैसी बनाई हुई है, एक हाथ में उनके दान है और एक हाथ में आश्रय है। जिसके पास में लक्ष्मी है उससे दान होना चाहिए और आश्रय होना चाहिए। जो लोग कंजूस आदमी होते हैं जिनसे दान नहीं होता, उन लोगों से कभी भी लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता। पैसे वाले हैं लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं, उनके पीछे में आश्रय होना चाहिए। हाथ में दो कमल है उनके, कमल है, कमल का मतलब होता है कि कोजीनेस, कि उसके अंदर जिसके घर जाओ तो बैठने के लिए आराम से, उसका हृदय जो है कमल के जैसा है, कि वो भूंगे को भी जिसमें इतने कांटे होते हैं भूंगे में उसको भी स्थान देता है अपने अंदर में। कोई भी आएगा, आ बेटा बैठ, तेरे को उसको फैला दिया, बिठा दिया आराम से। नहीं तो किसी किसी के घर में जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलते, बाहर ही खड़े रहो। बड़े बड़े रईस क्या है, ज्यादा होता है, फटक से ही वो चिल्लाना शुरू करेगा, कौन है तुम, भागो इधर से। ऐसे आदमी लक्ष्मीपति नहीं, लक्ष्मीपति का घर सारा खुला होना चाहिए। चार आदमी आए, बैठ जाओ भाई, कहां से आए, कुछ खाया पिया के ऐसे चले आए, खाने पीने को जो भी होगा घर में उसके सामने रख दिया, वो असली लक्ष्मीपति है। नहीं तो वो लक्ष्मीपति नहीं, जैसे लंदन में लोग आए रोज घर को सफाई करेंगे, पीतल का पॉलिश करेंगे, फलाना करेंगे, घर में चूहा भी नहीं आता, चूहा भी नहीं आने वाला, इतने कंजूस उनके घर कौन जावे, इतने दरवाजे में से देखेंगे कौन आ रहा है और फिर उसका दरवाजा बंद। ठंड में लोग बाहर बैठे रहेंगे, दरवाजा बंद, और बोलते हम अंग्रेज हैं। इतने दरिद्री लोग हैं, बड़े ही दरिद्री लोग हैं, हम लोग बहुत उससे दिल के बड़े लोग हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, किसी भी देहात में जाओ, कहीं भी जाओ, गरीब भी होएगा, जो भी हो, माँ आ बैठ, एक थोड़ा सा कुछ इतना सा दूध ही पी ले तू, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कोई भी घर की औरत होगी बाहर आएगी, बेटे तू कहां से आया, चल ले थोड़ा दूध पी। इनकी तो मां बोलेगी कि तू न्यूज़पेपर बेच के पैसा ला तो मैं तेरे को खाने को देती हूं। 13 साल का बच्चा हुआ चला वो न्यूज़पेपर बेचने, औरतें लड़कियां 13-13 साल की न्यूज़पेपर बेचती सवेरे उठ करके, सोचो। जब वो पैसा लाती तो मां उनको खाने को देती है, ये तो मां का तमाशा है। और अपने आप बच्चा कितना भी घोड़ा हो जाए, मां बोलती चल बेटे तूने कुछ खाया ही नहीं, अपने आप उल्टा हाल है। तो भी ये अच्छा है, उससे ज्यादा खाने वाले उनसे अच्छे जो कंजूस है। तो लक्ष्मीपति उसी को कहना चाहिए जो साक्षात माँ स्वरूप है, लक्ष्मी तो माँ है, और एक कमल के ऊपर में खड़ी है। देखो उसका हल्कापन, कहीं भी खड़े रहे तो आदमी लक्ष्मीपति वाला तो बहुत ही हम्बल होना चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी के पास कितना है। अभी भी अपने बम्बई शहर में मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं पुराने जमाने के, लाखों पति हैं पर एकदम सादगी से रहते, लाखों पति हैं, उनकी औरतें भी बहुत सादे कपड़े पहनती हैं। शर्म आती है कि पहले लोगों को कहने में कि हम, हमारे पास पैसा है, कि हमारा मकान है। पहले कहते थे ना अपने यहां कि हमारे गरीब खाने में आइए, इस तरह की लक्ष्मी होने से ही हमारा नाभि चक्र ठीक होता है। हृदय इस आदमी का हमेशा गुलाबी बना रहा है, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती, वही सुशोभित होता है। नहीं तो क्या, फटे कपड़े पहने हुए हैं, बुरा हाल बना हुआ है और कंजूसी कर रहे हैं, ये कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकते, ये तो हमेशा के दरिद्री हैं। बादशाह क्या हुए, बादशाह तो है कि कहीं भी बैठे तो बादशाह है, उसको बादशाह ही कहना चाहिए। ऐसे लोगों का नाभि चक्र हमेशा खुला रहता है, जो बादशाह आदमी होते हैं। अब बादशाह के ऐसा है कि हमारे यहां ताम झाम बहुत होती है, लेकिन तबीयत की बादशाहत नहीं होती मनुष्य। जो तबीयत से बादशाह होता है वो आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो बादशाह होता है, वो कहीं भी बैठे उसको कोई कमी नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे कि कोई आए
मेरा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, मेरे को सोने को अच्छा होना चाहिए, मेरे को खाने को अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ढिमका होना चाहिए। आपने क्या किया, आपके ऊपर ये जड़ता जो है खोपड़ी पे बैठ गई, ये जड़ है ना सारा। आपको बैठने को अच्छी जगह चाहिए, बैठने को कुर्सी पे चाहिए, नहीं तो नीचे नहीं बैठ सकते। कुर्सी आपके खोपड़ी पे बैठ गई, कुर्सी लेके घूमो आप, जमीन पे तो बैठ नहीं सकते। अभी कुर्सी लगा लो, अपने साथ चिपका लो, जड़ता आपके खोपड़ी पे बैठ गई। लक्ष्मी जी कहां से आप पे प्रसन्न हुई है, आप तो जड़ हो गए। आपको ये सफाई चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बादशाह क्या होता है, आप उसको जंगल में छोड़ दो तो बादशाह जैसे बैठा है, उसको हर जगह जो है बादशाह दिखाई देती। उतनी दशा नहीं भी हो तो भी बहुत ज्यादा जो पर्टिकुलर है कि मैं तो घी का ही खाना खाता हूं तो गया वो, और मैं तो फर्स्ट क्लास से ही चलता हूं तो गया वो, कुछ भी मैं करता हूं इसकी शान दिखाने वाला आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति का मतलब है शानदार आदमी। उसको बोलने में भी शर्म आती है कि कैसे मैं बोलूं इस बात को, कि अच्छा नहीं लगता, लज्जा सी लगती। किसी के घर में अगर कुछ कमी है भी तो चुपचाप बैठ जाए, वही बादशाह है। नहीं तो मेरे को ऐसा ही हार क्यों लाए, मेरे को ये लाओ, मेरे को वो लाओ, मेरे को ये चाहिए। हर समय जिसको भूख लगी हुई है चीजों की भी, सामान की भी, ये मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं। 10 साड़ी है तो भी 11वीं साड़ी चाहिए, उसने अच्छे कपड़े पहने तो माला पाएंगे। जरा सा एक फटा कपड़ा रहे तो शर्म लगे उसकी, बड़ा अच्छा कपड़ा पहनने को चाहिए, बड़े अच्छे सजने को चाहिए, ये चाहिए। सजना चीज दूसरी है, राजना चीज दूसरी है। और इस तरह भिखारी जैसे कपड़े चाहिए, नहीं तो फलाना चाहिए, माने ये कि मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, जड़वाद जिसको कहते हैं, इससे कभी भी लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न नहीं होती। मनुष्य को जड़ता में जो फंसा हुआ है वो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। ठीक है, साधारण आप अच्छे से कपड़े पहने है, जब राजघराने में रहना तो सीता जी राजघराने में भी रही, और जब जंगल में जाना तो नंगे पैर भी घूमती रही। कहीं भी वो रोई है क्या इस बात को लेके कि भाई मैं नंगे पैर चल रही हूँ, मैं राजा की रानी थी। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम जब पाकिस्तान में थे तो हमारे पास इतना पैसा था, अभी इधर आए तो हम ऐसे हो, तू वैसे ही थे, कुछ फर्क नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर में। जिस तरह की तुम बात कर रहे हो तो कोई उसमें संस्कृति भी नहीं, अपने पैसों के बारे में बोझ करना, उसके बारे में बताना या सोचना, या मेरे को आज ये लेने का है, कल वो लेने का है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। लोगों को यह है अभी कल कोई चीज खरीदना है तो आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू, सारा समय पैसे में लपेटना अपने को हर समय, ये सब जड़ता की निशानी है। और आपका नाभि चक्र पकड़ता है, बोलो कितने चीज से नाभि चक्र पकड़ता है। ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उससे कोई आप गरीब नहीं होते। गरीब होते हैं अपने तबीयत से। अब वैसे भी सोचो, जब आप कोई चीज को ले लेते हो तो दूसरी चीज को सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इन जनरल इट इज नॉट सैशियबल, ये जो है हाव या जिसको हवस है ये कभी खत्म होती है? आज ये लिया तो कल वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए। इसका इलाज क्या? संतोष, बीच में संतोष में बैठे। संतोष इलाज है नाभि का, नाभि का इलाज है संतोष और समाधान। जैसे ही संतोष समाधान आ जाता है तो ये जो भवसागर की लहरें हैं ये सीधे चलने लग जाती है, और ये भवसागर सारा धर्म है। सो दूसरा जो चक्र है उसके अंदर में ब्रह्मदेव और सरस्वती हैं, तो तीसरे चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी नारायण है। नारायण तत्व जो है वही इवोल्यूशन हमको देता है, उसी से हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जहां एफ्लुएंस सुबत्ता बहुत आ जाती है, पैसा बहुत आ जाता है, वहां लोग सोचने भी लगते हैं कि इससे आगे कहां जाने का है, इसलिए वहां इवोल्यूशन होता है ज्यादा।
जब चीज भर जाती है, जब कोई मछली ने यह सोचा कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, तो फिर वो जमीन पे आने लग गई, तो फिर वो कछुआ हो गई। फिर कछुए को लगा कि भाई मेरा हो गया अभी काम, अभी मुझे आगे को देखने का। जब उससे तृप्ति हो गई तो वो आगे को गया, तो उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके चार पैर खड़े हो गए, वो जानवर हो गया, रेप्टाइल से वो मामल हो गया। उसे जानवर से आगे उसको जब जाने का था, उसने कहा कि चलो भैया अब घास वास खाली सब कुछ हो गया, अभी आगे को देखने का है, तो फिर वो चिंपैंजी हो गया। चिंपैंजी के आगे उसने सोचा कि इससे तो होता नहीं, और भी ठीक से खड़े होके देखो है क्या दुनिया चारों तरफ। ये जब उसने चीज सोची तब वो जा करके मानव हो। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अति मानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख कहते हैं। यह भूख ही है जिसे सीकिंग अंग्रेजी में शब्द है, खोज। खोज का रूप बदलते जाता है, जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जाकर के अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है, और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया, और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है, तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात?